रिया रिया ये सारी दवाइयां लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयां मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाइयां लाती थी। आप कह रहे हैं कि आप दवाई देते थे, यानी कि जो दवाई रिया लाती थी उसके लिए आप उस, आप उसको देते थे। खत्म करने की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। इन बातों का जवाब आज भी दिया जाता है किसके द्वारा, एक बड़े ऑफिसर के द्वारा। खुद उन्होंने आज भी ये बात बोली कि इस मामले में अंडरवर्ल्ड का हाथ है, बहुत ही बड़ी प्लानिंग के तहत सुशांत को ख़त्म किया गया। आखिर इतनी बड़ी वजह क्या थी कि सुशांत को ख़त्म करना पड़ा? आखिरकार ये कौन से ऑफिसर हैं जो आज भी ये बात बोलते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार बॉलीवुड के एक एक्टर जिनको जेल हो सकती है, 29 जून तक का वक्त था उनके पास, और अगर 29 जून निकल गई और उन्होंने बात नहीं मानी कोर्ट की तो शायद वो जेल के अंदर जाएंगे दोबारा से। पहले भी जा चुके हैं, 3 महीने तक की जेल की हवा वो खा चुके हैं। कौन है वो एक्टर उसके बारे में भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत मामले में बहुत सारी चीज़ें हम पिछले 4 सालों से देखते आ रहे हैं। इस मामले में हमने कई बार सुना होगा कि सुशांत मामले में कोई कहता है कि अंडरवर्ल्ड का हाथ है, कोई कहता है कोई नेता अभिनेता ने ख़त्म किया, कोई कहता है सुशांत की दुश्मनी हो गई थी इंडस्ट्री में, कोई कहता है नेपोटिज्म की वजह से सुशांत को ख़त्म करवाया गया, कोई कहता है सुशांत ने गलत कदम उठा लिया। ऐसे कई सारे सवाल जो आज भी बने हैं, 4 साल पहले भी बने थे, पर इन सवालों के बीच में एक चीज़ कॉमन क्या है, एक कॉमन चीज़ ये है कि एक बड़े ऑफिसर थे, जी हाँ एक रॉ ऑफिसर थे जिन्होंने 4 साल पहले जो बात बोली थी वही बात वो आज भी बोलते हैं, और शायद आने वाले वक्त में भी अगर न्याय नहीं मिलता सुशांत को तो तब भी वो यही बात बोलेंगे, वो है एनके सूद जी। खुलकर वो हर पॉडकास्ट में आकर ये बात रखते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी ये बात वो रख चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म किया गया है। डिटेल में बताते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था पहले भी और आज भी कि सुशांत जो मामला है इस मामले के अंदर अंडरवर्ल्ड का हाथ है, मामले में कहा जा रहा है कि प्लानिंग के तहत ये सब किया गया। मामले में ये भी बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत ही गलत तरीके से उनको ख़त्म किया गया, यहाँ तक कि बोला जाता है कि इस मामले में अंडरवर्ल्ड जैसे पहले एक्टिव था वो आज भी एक्टिव है, ऐसी भी बातें की जाती हैं। और सुशांत का अंडरवर्ल्ड से क्या दुश्मनी कोई नहीं जानता, पर एक प्रोफेशनल तरीके से प्लान करके इस पूरे का जरिए कि जो डेथ हुई है उसको का जरिए कि किया गया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत छोटे मोटे इंसान नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज से लेकर पीएम की जो रिपोर्ट निकल के आई थी सब में सवाल उठाए थे उन्होंने, उन्होंने साफ बोला था कि ये सब चीज़ें हुई हैं, सीसीटीवी बंद है, पीएम रिपोर्ट निकल के आ रही है, जल्दी पीएम करवा दिया गया, इन सब के पीछे अंडरवर्ल्ड है। उन्होंने साफ बोला कि सुशांत मामला जो लोग कहते हैं कि सिंपल है वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मामले में बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इस मामले में सीधा अंडरवर्ल्ड का हाथ उन्होंने बोल दिया है। और अंडरवर्ल्ड क्यों किसी एक्टर के पीछे पड़ेगा, क्या पैसा नहीं दे रहे थे सुशांत उनको, क्या कोई पैसा मांगा जा रहा था जैसे हफ्ता मांगा जाता है फिल्मों में दिखाया जाता है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है, क्या इंडस्ट्री के अंदर का कोई ऐसा राज जान गए थे सुशांत जो शायद सुशांत सिंह राजपूत को भारी पड़ने वाला था। ऐसे कई सारे सवाल सुशांत सिंह राजपूत को लेकर वो आज भी उठाते हैं। सोचिए एनके सूद जी, ये छोटे मोटे शख्स नहीं है, एनके सूद जी बहुत बड़ा नाम है, एक्स रॉ ऑफिसर है वो, उसके बावजूद सोचिए गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वो, कहीं ना कहीं अगर हम माने तो इतनी बड़ी का जरे की टीम के साथ वो जुड़े थे, रॉ ऑफिसर रह चुके हैं, तो वो अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई ना कोई जानकारी तो होगी। 4 सालों से अगर कोई इंसान यही बात बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अंदर की ज़रूर होगी, कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई ऐसे सोर्स होंगे जिन्होंने कंफर्म किया होगा कि ये मामला 302 का है, इस मामले में अंडरवर्ल्ड है, इस मामले में कहीं ना कहीं सुशांत गलत नहीं थे, सुशांत ने कुछ नहीं किया था पर उनके साथ गलत किया गया था। अब एक्चुअली में जो कहना चाहते हैं इनके सूद जी, जो वो कह रहे हैं कि सीबीआई की टीम भी यही मानती है, क्या उनकी फाइनल रिपोर्ट में भी यही निकल के आएगा या फिर उनकी फाइनल रिपोर्ट में कुछ और निकल के आएगा ये तो पता नहीं,
पर साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि इतने बड़े मामलों में बड़ी बड़ी एजेंसी जब जांच करने आती है और उनकी रिपोर्ट अगर खाली रह जाए, उनकी रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी रहे, तो अपने आप उनकी रिपोर्ट में भी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे CBI, NCB, ED की टीम जांच करने आई थी और आज भी उनकी रिपोर्ट पेंडिंग है, या उनकी रिपोर्ट में कुछ कोई बोलना नहीं चाहता, या उनकी रिपोर्ट में बिल्कुल लोग चुपचाप शांत बैठे हुए हैं, तो अपने आप में कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। पर देखने वाला विषय यहाँ पर ये होगा कि क्या सुशांत मामला सॉल्व हो जाएगा जल्दी, अगर होगा तो कब होगा, और अगर ये मामला पेंडिंग पड़ा रहा तो वो कब तक पड़ा रहेगा। ये तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले में जिस प्रकार NK सूजी ने अपनी बातें सामने रखी हैं, जिस प्रकार उन्होंने कहा जरा कि खुलकर बहुत सारे खुलासे कर दिए हैं, क्या इस मामले में अब जल्दी ही खुलासा हो जाएगा, क्योंकि फैमिली लॉयर जो थे विकास सिंह जी, उन्होंने भी अपनी बात रख दी है। तो देखने वाला विषय होगा कि क्या होने वाला है इस पूरे मामले में। पर अगर हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर, बहुत ही बड़े एक कॉमेडियन है जो कॉमेडी फिल्में करते हैं और कई भी सीरियस फिल्मों में भी आपने उनको देखा होगा, क्या वो जेल जाने वाले हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राजपाल यादव की। जी हाँ, राजपाल यादव को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि 29 जून तक अगर उन्होंने 14 करोड़ रुपए नहीं लौटाए तो वो जेल चले जाएंगे। मामला है 2010 का, जब कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बिजनेसमैन माधव थे उनसे करीब 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। अपनी एक फिल्म थी उनकी, कहा जा रहा है कि जिस फिल्म का नाम था अता पता लापता, इस फिल्म को बनाने के लिए। और कहा जा रहा है कि 2010 आते आते उस फिल्म के लिए जो उन्होंने 5 करोड़ लिए थे उसका, कहा जा रहा है कि पैसा ब्याज समेत बढ़ जाता है, इंटरेस्ट लगकर वो 10 करोड़ हो जाता है, वो नहीं लौटाते हैं। जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और 2018 में कहा जा रहा है कि राजपाल यादव को 3 महीने की जेल भी हो गई थी, जिसके बाद बोला जा रहा है कि वो तिहाड़ जेल में रहे थे। और इसी मामले को लेकर अब कहा जा रहा है कि उनको लेकर खबरें निकल के आ रही है कि अगर उन्होंने 14 करोड़ नहीं लौटाए तो 29 जून के बाद फिर से उनको जेल जाना पड़ सकता है। उनको डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, या कोर्ट को कहा जा रहा है कि आश्वासन देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो पैसा लौटा देंगे या इतने टाइम बाद लौटा देंगे। पर अगर वो पैसा नहीं लौटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या राजपाल यादव पैसा लौटा देंगे या फिर उनको जेल तो नहीं जाना पड़ जाएगा, ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर अब देखते हैं कि क्या होगा इस पूरे मामले को लेकर। उम्मीद है कि जल्द ही एक रिपोर्ट निकल के आएगी जो बताएगी कि राजपाल यादव इस पूरे मामले को लेकर क्या फंसेंगे, या फिर राजपाल यादव सही से इस पूरे मामले को हैंडल कर लेंगे, क्योंकि राजपाल यादव को कोई बड़ी फिल्में तो मिल नहीं रही हैं जिसके थ्रू वो पैसा को लेकर और एक तरफ पैसा दे दें। अभी कहा जा रहा है कि कुछ चुनिंदा फिल्में ही उनको मिल रही हैं। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर, ये तो आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। पर हम चाहेंगे आप अपने राय कमेंट्स रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल आ चुका है सागर वाला 18, उसके साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर वाला 18 है, फेसबुक का सागर वाला, इन सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। अगर आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।